हेलो वन, वेलकम बैक टू मिली भगत गाइस। आज है रक्षाबंधन और आज मेरी सिस्टर उसके शादी के बाद उसका ये पहला रक्षाबंधन है। आप सबको पता होगा बिफोर 7 months आगे उसका शादी हुआ है एंड मैं उसका ये फर्स्ट रक्षाबंधन बहुत ही स्पेशल बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए कुछ अलग करना है। वो जो चीज़ चाहेगी वो चीज़ उसको गिफ्ट करनी है, तो लेट्स सी हमारा ये टाइम कैसे जाता है। एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल। तो मिलते हैं अभी। अभी मैं निकल रहा हूँ और आप अभी इस ईयर तो मैं कुछ प्लान नहीं कर सका कुछ स्पेशल उसके लिए। बट नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली मैं कुछ प्लान करूंगा। तो अभी लेट्स गो। दीदी अभी घर पे नहीं है तो अभी मैं निकल गया हूँ, तो मैंने अभी जस्ट उससे कॉल पे बात की तो शी टोल्ड मी कि वो अभी है अंकल के पास। तो मैंने उसको बोला कि हम लोग वहां से किधर तो जाने वाले हैं, तो लेट्स सी अभी वो रेडी हो रही है एंड विद इन 10-15 मिनट्स आई विल बी देयर एंड आगे आपको अपडेट करता रहूंगा। एक्चुअली दीदी के बारे में कुछ बोलूँ ना तो वो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, बिकॉज इन ईच एंड एवरी सिचुएशन शी हैव सपोर्टेड मी। Whenever I am feeling low, that time I directly call her because I know she is the one who can always be with me. And बस इतना हैप्पी चल रहा है। तो जो पर्सन अपने लाइफ में कुछ हैप्पीनेस डाल रहा है तो उसके लाइफ में भी कुछ अलग और कुछ इंटरेस्टिंग करना अपना फर्ज है ना मेरी जान। ये जस्ट एक 5 मिनट का पैच है मेरे घर से जो लोकेशन दीदी को पिक करना है उधर जाने के लिए, बट मैं यहाँ पे कम से कम 10 मिनट से स्टक हूँ। बहुत ही गंदा ट्रैफिक है यार मुंबई का, कुछ करो। एकनाथ शिंदे साहेब कुछ करो। नो गॉड प्लीज नो। इसके इसमें कुछ दिखो। कंप्लीट हाफ एन आवर से उसका वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, और लड़कियों का तो भाई ऐसा ही होता है यार, क्या ही बोलूँ मैं। अभी आने के बाद वही खुद बोलेगी कि भाई मैं तो कब से तेरे कॉल का वेट कर रही थी, तू क्यों नहीं आया। देखो 101% उसका वही वर्ड्स रहेगा, तो उसको सिर्फ आने दो यार। मैं कंप्लीट हाफ एन आवर से यहाँ पे वेट कर रहा हूँ और अभी वो उसका वर्डिंग्स यही रहेगा, आई एम डैम श्योर अबाउट। There is she, finally, आली। ओ मैडम, फाइनली आलात तुम्ही। आता मी आज तुमच्या बरोबर व्लॉग करण्याचा प्लॅन करत आहे आणि आपला हा टाइम आपण स्पेशली रेकॉर्ड करून फॉर लाईफ टाइम ठेवायचा विचार आहे माझा। सो यू आर ऑन विथ मिली भगत टीम। गजब बेइज्जती है। सो गाइस, दीदी को ऐसे रोड साइड फूड बहुत पसंद है। शी इज रोड साइड फूड लवर। तो हमने क्या ये समोसा गर्मा गर्म समोसा विद हाँ, तो इतना अच्छा मौसम है और इसमें गर्मा गर्म समोसे आहा। बहुत ही स्पेशल रहता है जब भी कोई आपके स्पेशल वन के साथ ऐसे क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो। यस, सो आई वाज सेइंग कि तेरे लिए भी वो स्पेशल वन लेके आ। मतलब किस बारे में बात कर रहे हो आप? यू नो व्हाट आई मीन,
I don't know. What? Bro, what are you talking about, man? समझ में आ गया। इशारा काफी है। So, दीदी एक क्वेश्चन का आंसर दे दे कि एज अ सिस्टर ब्रदर से क्या एक्सपेक्टेशंस होती है लाइक यू कैन टेक एग्जांपल एज अ मी आई एम योर ब्रदर नो या आई डोंट नीड एन एग्जांपल यू आर माय ब्रदर सो सेलिब्रिटी आज की सेलिब्रिटी बोलो बोलो ब्रदर से एक्सपेक्टेशन इन द सेंस आई थिंक एक्सपेक्टेशन तो ऐसे कुछ नहीं होती है ही शुड बी देयर सो उसका बस होना ही इम्पोर्टेंट होता है एक आई नो मैं किसी भी प्रॉब्लम में हूँ तो जस्ट वन कॉल एंड ही विल बी देयर ऑल द वे फ्रॉम दी दहिसर टू खानदेश्वर फ्लाइट से आ जाऊंगा आई नो दैट आई हैव दैट अश्योरिटी एंड या एंड सब सब मतलब सब हैंडल कर लेता है भाई मैं ऐसे एकदम से ऐसे बड़ा बड़ा हुआ ऐसा लग रहा हूँ मेरे को मैच्योर्ड हुआ ऐसा लग रहा हूँ तो हाँ मतलब उसके बहुत अलग अलग क्या बोलते हैं नेचर्स है आई नो आई हैव सीन हिम वेरी एरोगेंट वाला अक्षय देखा है बहुत फनी बहुत चाइल्डिश अक्षय देखा है बहुत मैच्योर्ड अक्षय सो या मतलब सब सब का कॉम्बिनेशन है ना लव इट लाइट ही नहीं है लाइट नहीं है बट बातों में इतनी जान है ना कि लोगों को सुन के ही मजा आ जाएगा आज मिली बस इतने फर्स्ट टाइम कोई सिस्टर के साथ व्लॉग बना रहा है एंड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर आप नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ ऐसा स्पेशल सरप्राइज कुछ ऐसा मुझे सजेस्ट करो कमेंट बॉक्स में तो लेट्स सी वी विल प्लान समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग बेस्ट फॉर हर ओके नेक्स्ट ईयर पक्का कंप्लीट हमारे दो तीन घंटे वेस्ट करने के बाद अभी फाइनली हम लोग ने डिसीजन लिया कि ये नियर बाय कोई भी मॉल होगा तो उधर चले जाएंगे तो अभी हम लोग हैं रघुलीला मॉल में एंड अभी लेट्स सी कोई अच्छी चीज़ पसंद आती है तो अपन गिफ्ट कर देंगे अपने सिस्टर को तो गाइस गूगल मैप ने हमारे जो गूगल मैप बाजू में बैठा है ये गूगल मैप ने अभी क्या किया है कितना बड़ा चीज़ किया है you know, हम लोग रघुलीला गए थे रघुलीला में हमें कुछ भी पसंद नहीं आया तो हमने सोचा कि यार चलो यार अपन है ना कुधर ग्रोवेल सोयल्स जाते हैं या कोई भी H&M के आउटलेट में जाते हैं तो इसको मैंने H&M गूगल पे सर्च करने बोला नियर बाय H&M किधर है क्या देख ले तो उसने H.M मेंस वेयर आउटलेट ढूंढा और मेरे को H&M करके उधर तक पहुंचा हम लोग बहुत ही ज्यादा गोल गोल घूम रहे आज पूरा बोरीवली घूम लिया है हमने मुझे मेरे घर हर एक गली एंड शी इज लाइक मुझे मेरे घर छोड़ दो ते पता है इतना ज्यादा अक्ते ये पहली बार देखा है ए जा रहे अरे तू जा रही अरे यार हगो बट ऐसे ऐसे तो ना हगो ड्राइव फास्ट क्या ड्राइव फास्ट इधर मेरी सब हालत खराब हो गई ड्राइव कर करके मैंने सोचा था कितना अच्छा टाइम स्पेंड करूंगा तेरे साथ इधर अच्छा आउटलेट में जाएंगे खाना खाएंगे घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे तो पहले जल्दी काम करने को खत्म करने को नहीं होता है भाई मैं काम कर रहा था ऑफिस का काम खत्म करके मैं आया था ऑन टाइम बट तुम्हें तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए तुम तो वहां पे बिजी थे आधे घंटा लगा दिया मेरे को वेटिंग पे चल ठीक है यार मूड ऑफ मत कर है कि बोलती है कि मुझे अभी मेरे घर छोड़ दो
और सीरियसली मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया और बहुत ज्यादा कंटाल गया हूँ. बिकॉज क्या है ना कि है ना अभी आउटलेट्स भी बंद हो जाएंगे 10 o'clock तक सभी, तो हमारा है हेक्टिक दिन तो हो रहा है बट स्टिल वी आर स्पेंडिंग बहुत ही ऐसा टाइम की जैसे अभी क्या ही बोले. चलो छोड़ो जो भी है, सो फार सो गुड. हमें मुंबई का निकल के याद आ गई. चलो यार ठीक है, होता है. शायद भगवान चाहता है कि हम लोग दोनों ऐसे कार में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करें एक दूसरे के साथ रादर देन कुछ और. चलो ठीक है यार, ये भी ठीक है. आपको क्या चाहिए भाई? आप जो चूज करोगे वो ले लेंगे अपन. डोंट लुक एट दिस यार, कुछ ऐसा प्रीमियम वीमियम देखो. प्रीमियम लड़की के लिए प्रीमियम चीजें लेनी आज, है ना? ठीक है, अभी बंद करो उसे, हम देखते हैं. नहीं यार, आप देखो पहले तो, फिर अच्छा कुछ लगता है तो परचेस कर लेंगे. हाँ वो जो कि ऑलरेडी तुमने पहना है. हेलो गाइस, अभी कल रात को बहुत ही ज़्यादा थक गया था मैं और दीदी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और हमारा पूरा प्लान पूरा वाट लग गया पूरा प्लान का. बट स्टिल हम लोग अभी आज रक्षाबंधन का ये दिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और लेट्स से अभी उसके लिए मैं तो कुछ खरीद ही नहीं पाया भाई, ट्रैफिक ने इतना दिमाग आउट कर दिया. तो आप सोच सकते हो कि मुंबई की ट्रैफिक कितनी ख़राब और कितनी गंदी होती है. हम लोग एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन ऐसे जा रहे थे और हमें कोई भी शॉप ओपन नहीं मिला. तो फाइनली हमें अभी एक अलग मेरे को डिसीजन लेना पड़ा है, वो अभी आप कंटिन्यू देखते रहना क्या करता. देखो आज कितनी अच्छे से तैयार हुई है ये, एंड ये सब किसके लिए है? फॉर मी. दिस इज व्हाट स्पेशल पर्सन का स्पेशल डे है ना? यस. Look at her, यार. How beautiful she is looking. हम दोनों आज एकदम ऐसे ट्रेडिशनल वेयर में रेडी होके आज रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने वाले हैं. तो कितनी हैप्पी है तुम? I'm very happy. I want this happiness, this smile for lifetime. And उसके लिए मैं कुछ भी करूँ. This is commitment from me on this special day. तो अभी हम लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट करें. लेट्स गो. Thank you.
गाइस अभी हमने अच्छे से रक्षाबंधन का जो भी था त्यौहार वो कंप्लीट हो गया है। अभी जस्ट उसको एज अ गिफ्ट मैं बोल रहा हूँ कि अभी हमको थोड़ा डिजिटल होना पड़ेगा बिकॉज कल तो हम लोग शॉपिंग करने पे, आप सबने तो देखा ही होगा। बट अभी तू जो भी ऑर्डर कर डेबिट कार्ड से बिल मैं पे करूँगा। ओके तेरे डेबिट कार्ड से कार हलकट है सो मेरा ही गिफ्ट मुझे नहीं नहीं तेरे डेबिट कार्ड से पे कर ले फिर बाद में मैं तेरे को गिफ्ट पे कर ले नहीं 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 सो जो भी है मेरे डेबिट कार्ड से होगा आज और नेक्स्ट ईयर कुछ अच्छा सरप्राइज तेरे को गिफ्ट करूंगा एक मेरे से कमिटमेंट ले ले। यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो सो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब और वो बेल आइकन भी दबाना मत भूलिए और